नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आज के जन सदन का मुद्दा है सरकार को मिला प्रशासन का साथ, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। नेहा शर्मा जी सोशल वर्कर हैं। नेहा जी, आईटीवी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। दारिस मलिक जी मेट संस्था से जुड़े हुए हैं। दारिस जी, आपका आईटीवी हिंदुस्तान स्वागत करता है। अभय जी पर्यावरण विशेषज्ञ है। अभय जी, आईटीवी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। अगर हम बात करते हैं पॉलिथीन के बारे में, सरकार ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट तौर पे ये कहा है कि 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन यहां से हटाई जाएगी, और इसी को लेते हुए 5 नवंबर को एक मानव श्रृंखला बना रहे हैं, जो जोगीवाला से होते हुए 6 नंबर पुलिया से होते हुए बहर चौक पे जाते हुए एक जो श्रृंखला निकलेगी वो मसूरी डायवर्जन की तरफ निकलेगी और एक घंटा घर की तरफ आएगी। 50 किलोमीटर तक ये श्रृंखला बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए 16 अक्टूबर को एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कई सामाजिक संस्थाएं, कई स्कूलों को जोड़ा गया है। उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि अपने अपने स्कूल के सीनियर स्टूडेंट को भेजा जाए ताकि वो मानव श्रृंखला बनाने में सहयोग करे। उत्तराखंड की देवभूमि तपोभूमि से एक मैसेज इस पूरे हिंदुस्तान भारत गणराज्य को दें। सबसे पहले नेहा जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने, अगर हम बात करते हैं इस तपोभूमि देवभूमि की, उत्तराखंड 2000 में बना था, आते आते 19 साल लगभग लग गए हैं, बाल्यावस्था से निकल के युवावस्था में ही हमारा राज्य आ गया है। पॉलिथीन हटाने की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए पॉलिथीन कहां तक हटाएंगे, हालांकि कई जगह तो ऐसा भी कर दिया गया है कि जो चाय प्लास्टिक में देते थे, क्योंकि जो अगर हम डॉक्टर की बात सुने वो कहते हैं प्लास्टिक में चाय पीने से कैंसर की बीमारी बढ़ती है। हालांकि रेलवे स्टेशन पे ये सरकार ने शुरुआत कर दी है कि कुल्हड़ में चाय देने का सिस्टम शुरू कर दिया। हालांकि वो नेचुरल, हमारा जब किसी जमाने में चाय पिया करते थे तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट अलग होता था, लेकिन जिस तरीके से प्लास्टिक हटाने की सरकार बात करती है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी देखा जाए, दाने बनाने की फैक्ट्री को एनओसी मिल जाती है, सरकार कहती है कि प्लास्टिक को हटाया जाए, दूसरी तरफ प्लास्टिक की पनिया जो बनाते हैं उनकी फैक्ट्री को एनओसी मिल जाती है, अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप प्रतिक्रिया नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और आज का जो ये सोशल इशू है से नो टू प्लास्टिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने साल भी उत्तराखंड जो बना है हमारा प्रदेश, इसके बाद प्लास्टिक पूरा हम लोग इस्तेमाल करते रहे। देखा भी गया कि चारधामों तक प्लास्टिक पहुंच गया, ऊपर जो हायर एल्टीट्यूड है वहां पहुंच गए। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो सरकार हमारी अब जो है इसमें इन्होंने काफी अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे है, स्वच्छ भारत अभियान है, उससे काफी युवा पीढ़ी काफी इन्फ्लुएंस हुई है। हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है हम लोगों को काफी सपोर्ट इससे मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले स्वच्छता के बारे में बात नहीं होती थी, आजकल हर कोई खुल के बात करता है और हम लोग खुद भी अवेयर हो गए हैं, हम जागरूक भी लोगों को कर रहे हैं, खुल के बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों में काफी परिवर्तन आ रहा है, वो खुद भी जागरूक हो रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कदम है जो हमारी सरकार ने उठाया है, मानव श्रृंखला के बना के एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि कितने लोग आज एक साथ जुड़ गए हैं, एक साथ खड़े हो चुके हैं प्लास्टिक को हटाने के लिए। बिल्कुल दारिस जी आपके पास आना चाहेंगे। दारिस जी, अगर हम बात करते हैं 2016 की, भारत सरकार ने एक समझौता किया था जिसमें हम बात करते हैं कि पेट्रोल केमिकल और प्लास्टिक मर्जर के बारे में हम बात करते हैं। हालांकि हिंदुस्तान मैक्सिमम प्लास्टिक यूज करने वाले देशों में इसका नाम आता है हिंदुस्तान का, क्योंकि सरकार कहती है प्लास्टिक को हटना चाहिए, लेकिन उधर एक इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश्ड हो जाती है कहीं ना कहीं प्लास्टिक लगता है। हालांकि सरकार का प्रयास बहुत बेहतर है, हम वन टाइम प्लास्टिक यूज की बात करते हैं, सरकार ने पूर्णतः इसको प्रतिबंधित कर दिया है। और इसी के संबंध में जो ये मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश जनता तक पहुंचेगा। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं दारिस जी कि ये जो प्लास्टिक है इसको हटाने में इतना समय क्यों लग गया? जी, एक तो प्लास्टिक है, अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि प्लास्टिक को हटाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो इसलिए ऐसा है क्योंकि हम लोगों ने प्लास्टिक को हर जगह कर दिया है। अब मेरी घड़ी है यहाँ पर, है आपका माइक है, इसमें हर चीज में प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक अब जितनी ज्यादा हो चुकी है इसलिए उसे हटाने में और ज्यादा कम समय लग रहा है। नहीं, घटाने में तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन प्लास्टिक की भी अलग अलग वैरायटी है। अगर हम बात करते हैं, सरकार कहती है कि 50 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक घातक होता है, हालांकि पूर्णतः प्लास्टिक को हटाना संभव नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसके नुकसान ये है कि पानी के रिसाव को वो दिक्कत करता है। हमारा जमीन के अंदर अगर पानी है तो जमीन कहते हैं कि पानी को सोखती है, तो सोखने में दिक्कत आती है। नेचुरल जो अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं बारिश का असर पड़ता है,
सड़क में पड़ा हुआ है उसके अंदर अमूमन लोग खाना भर के प्लास्टिक की थैलियों में फेंक देते हैं, जानवर उसको खाते हैं, गाय खाती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो 20,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक डेली कचरे में फेंका जाता है, जिसमें से कुछ रिसाइकल होता है, कुछ घूमता रहता है, कुछ नदी नालियों के माध्यम से लोगों के घर तक या कहीं ना कहीं सड़कों तक पहुंचता है। खासकर अगर बरसात की हम बात करें तो नालियां चोक हो जाती हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभय जी आपके पास आना चाहेंगे। अभय जी, अगर हम प्लास्टिक की समस्या की बात करते हैं, सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार अगर एनओसी देना बंद कर दें प्लास्टिक कंपनियों को और जो इलीगल तरीके से प्लास्टिक बनाते हैं तो वहां छापा मारा जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया? अभय जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो इनिशिएटिव अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें इन्होंने मानव श्रृंखला बना करके जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे और इस तरीके से ये जागरूकता फैलाने का ये कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने शुरू किया, जो कि बहुत ही एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा इससे पीछे ले आना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले 2017 में हरीश रावत जी की सरकार ने ये इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिया था और उसके बाद हाईकोर्ट उत्तरांचल उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी इसमें जो डायरेक्टिव्स आए थे कि इस प्रदेश को पूरी तरीके से पॉलिथीन मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार का नमामि गंगे प्रोजेक्ट है और ये स्वच्छ भारत अभियान है, वो डायरेक्टली वो इसको प्लास्टिक अभियान को प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाने के का एक वो हिस्सा है। और ये प्लास्टिक को ये पूर्ण तरीके से प्लास्टिक को बैन करने के लिए हम अगर आज इसकी शुरुआत करते हैं, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने आज इनिशिएटिव ले लिया और ये इस तरीके से शुरू कर दिया, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। और ये इस तरीके से ये मैं नहीं समझता कि ये अच्छा कदम है ये सरकार का, लेकिन ये कोई इतनी जल्दी इसके ऊपर कोई रिजल्ट आने वाले नहीं है। ये भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार ये आज पहली बार इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं ले रही है, इसके ऊपर जो है वो वर्षों से प्रयास जो है वो सरकार करती आ रही है। अब इसके लिए क्या है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये लंबा प्रोसेस कई सारी चीजों को एक साथ लेने के बाद ही खत्म होगा। अब अगर आप आज प्लास्टिक को पूर्ण तरीके से बैन कर देते हैं हिंदुस्तान में या किसी स्टेट के अंदर पूर्ण तरीके से बैन कर देते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो एकदम से बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। तो सरकार को साथ ही साथ प्लास्टिक को बैन करने के साथ उसके वैकल्पिक साधन भी खोजने होंगे कि उसके साथ अगर हम इसको ये बैन करते हैं तो इसके विकल्प क्या अवेलेबल है हमारे पास, उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा और धीरे धीरे करके शनय इन चीजों को जो है वो सिस्टम में लाना होगा और उसके विकल्प तलाशने होंगे। वैज्ञानिकों को ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि उसके लिए एक नए विकल्प तैयार हो सके, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए देखिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर जिस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से डंप के डंप बनते जा रहे हैं, आप शहरों की आउटस्कर्ट्स में जाइए तो देखिए वहां हीप के हीप बने रहते हैं, पहाड़ बने हुए हैं प्लास्टिक्स के, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत खतरा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल नेहा जी आपके पास आना चाहिए। नेहा जी, अगर प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल एक नियम ये बनाया है, हालांकि नियम 2000 में उन्होंने बनाया था, उसके बाद दिक्कतें आई और उसको इंप्लीमेंट करते करते काफी समय लग गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक नियम बनाया है कि कोई भी अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा या 6 महीने की जेल दी जाएगी उसको। अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि कहीं भी चाहे वो कोई भंडारा करा रहा हो, अगर उसमें प्लास्टिक के कप या ग्लास पाए जाते हैं तो 10,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया, उन्होंने जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसे सड़क बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा मैसेज हमारे हिंदुस्तान को जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बल्कि मसूरी में एक प्लास्टिक बॉटल से पूरी वॉल भी बनाई गई थी पिछले 1-2 महीने में, जहां पर मैसेज दिया गया था कि आप प्लास्टिक को रीयूज कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, जैसे कि अभी मेरे साथी ने बोला अभय जी ने कि आप ऑल्टरनेट ढूंढिए, तो प्लास्टिक का ऑल्टरनेट भी ढूंढा जा रहा है। जैसे प्लास्टिक बैग अगर उन्होंने बैन कर दिया है तो उसकी जगह में वो क्लॉथ बैग लेके आए हैं। क्लॉथ बैग से आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो क्लॉथ बैग बना रही हैं वो संस्थाएं बना रही हैं, आप उनको हम कौशल विकास की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्लॉथ बैग वहां से ले रही हैं, उन स्वयं सहायता समूह से ले रही हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, क्लॉथ बैग यूज भी हो रहा है। इसी तरह सरकार और भी बहुत सारी चीजें ऑल्टरनेट ढूंढ रही है और साथ में हम जैसे जो लोग हैं, जो एकेडमिशियन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनको भी अपनी तरफ से एक ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए कि हम क्या चीज यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। जैसे एक मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में भीमल है, भीमल पूरे
हायर अल्टीट्यूड में पाया जाता है। आप विमल को अगर आप यूज करेंगे, आप विमल की चप्पलें बनाएंगे, विमल की बास्केट बनाएंगे, विमल से ऐसे भी बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं जो बन सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो प्लास्टिक के यूज को कट करेगा और आप फार्मर्स को एक रोजगार दे रहे हैं, आप उनसे विमल खरीद रहे हैं, वो विमल जो उनके यहाँ किसी काम का नहीं होता उनके लिए, वैसे तो उसे वंडर ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है, हर घर में 2-4 विमल के पेड़ पाए जाते हैं, अगर हम उसको यूज करना शुरू करेंगे तो बहुत हद तक हम प्लास्टिक कट कर सकते हैं। इसी तरह से जूट बैग हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं इस पे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन हमें कंटिन्यूस लगातार इसमें प्रयास करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहनी चाहिए। आज जैसे आपने यहाँ पर ये एक डिबेट, एक डिस्कशन आपने यहाँ रखा है, डिबेट में नहीं बोलूंगी, इस तरह से लगातार वर्कशॉप भी कंडक्ट करते रहने चाहिए। बिल्कुल दारिश जी, आपके पास आना चाहेंगे। दारिश जी, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, कहीं ना कहीं उससे सब लोगों को दिक्कत होती है, अगर विमल की हम बात करें, जिस तरीके से अपने वक्तव्य में नेहा जी कह रही थी कि उससे कहीं ना कहीं किसानों की इनकम, रोजी रोटी में बढ़ावा होगा और पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड या प्लास्टिक मुक्त हम भारत कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है दारिश जी, कि कोई भी काम अगर खराब हो तो सरकार, अच्छा हो तो संस्थाएं सामाजिक है, ये जिम्मेवारी आपकी भी तो बनती है, आपकी संस्था की भी तो बनती है कि चलिए सरकार के संग हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं, चलिए हम भी सरकार के संग प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाते हैं। दारी जी, जी सर, सर मैं संस्था खरीद 2011 से सरकार के हर एक कदम के साथ है, और अगर आप कहेंगे कि पॉलिथिन बैग या फिर प्लास्टिक बैग को यूज हटाने के चक्कर में, तो उसमें भी हम लोग काफी काम कर चुके हैं, और क्लॉथ बैग एक्टिविटीज पे हम लोगों ने काफी ज्यादा करी है। और जैसा कि आप जूट बैग्स के लिए कह रहे हैं, तो जूट बैग्स भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं सारी चीजें होती हैं जो जूट बैग्स में नहीं लेके जा सकते, जो सिर्फ प्लास्टिक बैग्स में आती है, मैं ये चाहूंगा कि उनका अल्टरनेटिव भी एक निकाला जाए। और जैसे कि सर ने कहा है कि हम साइंटिस्ट को काम करने के लिए इस पे, तो क्या हमारे प्रदेश के और हमारे पूरे राष्ट्र के साइंटिस्ट इतने कुशल नहीं है कि वो इस चीज में कोई काम कर सके? बिल्कुल अभी जी नहीं, हमारे देश के साइंटिस्ट बिल्कुल कुशल हैं, उनके ऊपर हमें पूरा पूरा विश्वास रखना चाहिए, लेकिन तकलीफ तब होती है जब लोग इंप्लीमेंट नहीं करते। साइंटिस्ट कहते हैं कि आप कुल्हड़ क्यों नहीं बनाते, जो पुराने तरीके से जिस तरीके से चाय पी जाती थी, आज भी अगर हम लक्सर के आसपास जाएं तो कुल्हड़ में चाय दी जाती है, वहां उसका फ्लेवर, जैसे मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि अलग आता है फ्लेवर को, वो काफी अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा बना देता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रश्न आपने यहां भी खड़ा कर दिया कि अगर माना कोई बरसात के दिन में सब्जी या कोई सामान लेके जाता है, तो जो कागज की थैलियां होती है वो गल जाती है, सामान नीचे गिरने की संभावना उसमें ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ चीजें जो बिना प्लास्टिक के संभव नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक हम बंद कर रहे हैं, हर तरह के प्लास्टिक को बंद नहीं कर रहे हैं। अभय जी, आपके पास आना चाहूंगा, अगर हम सरकार की इस नीति की बात करते हैं कि 50 माइक्रोन से नीचे, तो बाकी के प्लास्टिक का क्या होगा? अभय जी देखिए, 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक्स की बात हो या 50 माइक्रोन के प्लास्टिक की बात हो, मेरा ये मानना है कि अगर हमें इस मानव सभ्यता को बचाना है तो प्लास्टिक पे तो पूर्णतया प्रतिबंध लगाना ही होगा, चाहे वो हम आज लगाएं चाहे हम आने वाले समय में किसी भी तरीके से इसको करके लगाएं। मैं ऐसे इस तरीके से इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि किसी भी देश की दो तरीके की सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मुद्दा है इस विश्व का, नॉट ओनली ये उत्तराखंड का, ये इस कंट्री का ये मुद्दा है, ये मुद्दा सीधे सीधे मानव जाति की सभ्यता से और उसके उत्थान और पतन के साथ जो है वो खत्म होगा अगर ये प्लास्टिक को बैन पूर्णतः नहीं किया गया। मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वर्ल्ड के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने 100% बैन अपने यहाँ लगा दिया है प्लास्टिक के यूज के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सीवियर जो है वो फाइंस हैं और इवन जेल भी है उसके ऊपर अगर प्लास्टिक का यूज वहां पे पाया जाता है। जैसे कि ये स्टेट्स है बेल्जियम, चिली, इटली, केन्या, मैक्सिको और म्यांमार और रवांडा, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे की प्लास्टिक जो है वो पूर्णतया प्रतिबंध है। मेरा ये कहना है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश जो की डेवलपिंग कंट्री है, इसके अंदर हम पूर्णतया इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकते और हम इसको इसका यूज करने वाले, क्योंकि हम ठेली वालों का लगा दें उठा करके प्रतिबंध, हम जो है वो आम उपभोक्ता जो एंड यूजर है उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगा दें कि ये यूज नहीं करेगा, उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगा देते हैं,
या दुकानदार जो रिटेलर है उसके ऊपर हम फाइन लगा देते हैं अगर बेचते हुए, यहाँ से बात नहीं खत्म होती। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ कि इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे लेवल पे इस फ्रंट के ऊपर इसको मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। और भारत सरकार के जो भी प्रतिनिधि इसमें जब आगे कभी जाते हैं, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, इसके ऊपर अगला जो भी अगला पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को जहां कहीं हो, मैं समझता हूँ ये मुद्दा वहां पे उठाया जाना चाहिए। और ये अगर ये नहीं उठाया गया तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल नेहा जी, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की, क्योंकि हमें अपनी देवभूमि से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की पहल बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आज हरी झंडी दिखा के इसकी पहल कर दी है, और 17 तारीख को जो 5 तारीख को 5 नवंबर को जो एक मानव श्रृंखला बनने जा रही है, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका होगी? क्योंकि सरकार जो है मेटलिस्टिक चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रही है, सरकार इस सोसाइटी को रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही है, तो आप सामाजिक संस्था से सरोकार रखती है, तो आपकी सामाजिक संस्था का क्या रोल इसमें है? हमारी सामाजिक संस्था का रोल तो यही है कि हम लोगों को कपड़े का बैग बनाने के लिए ऑर्डर हमको मिला है। और दूसरा हम क्योंकि मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट देहरादून में सेंटर्स चलते हैं, और तकरीबन अभी तक मैं 3000 महिलाओं से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे चुकी हूँ अलग अलग ट्रेड्स में, और हम उनको यही करते हैं। अगर हम एक एक को भी अवेयर करेंगे तो आप समझिए कि वो चेन कितनी लंबी जाएगी। हम हर सेंटर में अपनी लेडीज को समझाते हैं, अवेयर करते हैं कि आप प्लास्टिक यूज मत करिए। यहाँ तक कि मैं तो आजकल ये भी देख रही हूँ कि जो जितने ट्रेंडिंग कैफेज हैं जो यंगस्टर्स के लिए, वहां पर भी कुल्लड़ शुरू हो गया है। इसी तरह हमने अपने सेंटर्स में भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप कुल्लड़ इस्तेमाल करिए, आप प्लास्टिक मत यूज करिए, अगर आपके यहाँ प्लास्टिक है तो उसमें पौधे लगाइए और अपने घर में उसे सजाइए। तो हम ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सब मिलकर करने लगेंगे तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज हम उत्तराखंड में ला पाएंगे। बिल्कुल दारिश जी, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक को यहाँ से हटाने की, प्लास्टिक को यहाँ से रिमूव करने की, दारिश जी जैसे अपने वक्तव्य में पूर्व में आपने कहा था कि मेरे पास प्लास्टिक की घड़ी है, तो क्यों ना शुरुआत आप ही से की जाए, क्योंकि आप ही सामाजिक संस्था से सरोकार रखते हैं, क्यों ना इस घड़ी को त्याग दिया जाए, प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाए? तारी सी जी सर, घड़ी को तो जरूर त्याग देंगे, पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है, इसे मैं बार बार पहनता हूँ, और इसे मैं अगर कोई मेरी घड़ी खराब भी हो जाती है तो मैं उसे रिसाइकल उसमें फेंकता हूँ, मैं उसे सीधा ऐसे बाहर ही फेंक देता हूँ। और सर अगर आप इसमें कहें कि मानव श्रृंखला बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सरकार का क्या ये हमारे पास क्या इसमें कोई सोर्सेज है कि सरकार का ये जो मानव श्रृंखला बनाने का जो डिसीजन सरकार ने लिया ये कामयाब होगा? मेरे अगर आप मुझसे कोई राय लें तो सरकार इसमें और भी काफी सारे काम कर सकती है, जैसे स्कूल में जाके वर्कशॉप कर सकती है। हमने अपने वर्तमान में हमने मैं संस्था ने भी कई बार स्कूलों में जाके वर्कशॉप करवाए हैं, स्कूलों में जाके ऐसे ऐसे इवेंट कराए हैं जहाँ से मैं संस्थाओं को भी और हमारे इंडिया के यूथ को भी कई सारे सोशल वर्कर्स मिले हैं। मैं अगर अपने खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे स्कूल में भी हमारे मैं संस्था के प्रेसिडेंट करण भैया आए थे और उन्होंने भी हमें सबको मोटिवेट करा मैड में आने के लिए और कुछ कहने के लिए हमारे देहरादून शहर। बिल्कुल अभय जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभय जी, अगर हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो कई सालों तक वो पेड़ रहता है, हालांकि पेड़ों की उम्र जब निकाली जाती है तो उनको अगर काटा जाता है तो जो गोल सर्कल होते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमको पढ़ाया जाता था गोल सर्कल को काउंट करके उनकी एज उनकी उम्र निकाली जाती है, अगर हम प्लास्टिक को, क्योंकि देखिए पूर्णतः समाप्त करने में काफी समय लगेगा लेकिन काफी हद तक समाप्त करेंगे, क्यों ना एक ऐसा, क्या ये संभव हो पाएगा अभी जी, कि जो लोग आजकल MDDA से नक्शा पास कराते हैं तो एक बायलॉज में एक नियम ये बना दिया जाए कि जो घर के चारों कोनों में अपनी जमीन के चारों कोनों में पेड़ लगाएगा केवल उसका नक्शा अप्रूव किया जाएगा। अभय जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। ये जो आपने कहा कि MDDA से जो भी नक्शे पास होते हैं नया मकान बनाने के लिए, नया भवन का जो नक्शा पास होता है, उसमें मैं समझता हूँ ये आपकी बात बहुत अच्छी, 100% मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द क्या नाम है हाउस और द लैंड, कम से कम अकॉर्डिंग टू द हाउस, कहीं पे एक पेड़ भी लगाने का की जगह होगी या दो की होगी या चार की होगी, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड जो है वो एक पेड़ तो मिनिमम ही होना चाहिए कि जब नया मकान बने तो उसके ऊपर एक पेड़ लगाने की अनिवार्यता तो उसके ऊपर होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा कदम होगा, इनिशिएटिव होगा ये गवर्नमेंट का, अगर ये गवर्नमेंट इस तरीके से करती है, और नॉट ओनली उत्तराखंड, इस तरीके के जो है वो रूल्स या बायलॉज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लेकर के आने चाहिए और सभी स्टेट्स को इस पर डायरेक्टिव देनी चाहिए कि जो भी जो है अपने
जो उनके डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है जब वो नक्शा पास करके देती है तो उसमें जो है वो उनके कम से कम एक पेड़ लगाने का जो उनके पास एक उसपे विकल्प जरूर होना चाहिए, मतलब वो लगाने की एक वो मैंडेटरी कर देना चाहिए उसको लगाने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा प्लास्टिक का जो प्लास्टिक जो है, देखिए इंडिया में जो है ये बहुत जो हमारी इंडस्ट्री है प्लास्टिक इंडस्ट्री है इससे बहुत बड़ा जीडीपी से ये बहुत बड़ा डायरेक्टली लिंक है और इसमें एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, हम बहुत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सडनली अगर हम इसके ऊपर बैन लगा देंगे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंजेस है वो भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट करते हो तो सीधा हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर एक कुछ बहुत बड़े नियम और कायदे कानून इस तरीके से बनाने चाहिए कि सब्सटेंशियली हम इसको धीरे धीरे जो है वो इंडस्ट्री को खत्म भी करें और इसके साथ ही साथ इसके विकल्प भी तलाशें ताकि हमारे यहाँ रोजगार की समस्या भी ना पैदा हो सके और हमारी जो जीडीपी या हमारे फॉरेन रिजर्व पे जो उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है उसको भी धीरे धीरे उस पर असर हमारा ना पड़े, इस तरीके से हमको देखना होगा ताकि तभी हम इस पर काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल अभिजी। नेहा जी, अगर हम प्लास्टिक को हटाने के ऊपर बात करते हैं, सरकार से अगर हम बैठ के आमने सामने बात करते हैं, क्या यह सजेशन भी ठीक है कि सरकार के कुछ प्रतिनिधि या ऑब्जर्वर जो हैं, वो स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं और एक नियम ये बनाए, नॉट नेसेसरी बट एक नियम अगर ऐसा बन जाए कि जो बच्चा क्लास प्ले ग्रुप से लेके और एट्थ तक, क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ में बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड ऐसा पैटर्न स्टार्ट कर दे कि उस बच्चे को 8 या 5 या 4 नंबर का ग्रेस या एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जो मैक्सिमम प्लास्टिक इकट्ठा करके लाता है, तो कहीं ना कहीं संदेश जाएगा और प्लास्टिक के प्रति नफरत और जो जागरूकता फैलेगी वो भी फैल सकती है इसमें। बहुत अच्छा आपका सुझाव है और मुझे लगता है कि ये चीज तो स्कूलों को खुद ही करनी चाहिए, इसमें सरकार की मदद लेने की जरूरत, सरकार कभी मना करती नहीं अच्छे काम करने के लिए, वो तो हमेशा इनिशिएट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो स्कूल के ओनर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज के हैं, जो कॉलेजेस के हैं, उन्हें खुद से ही ये इनिशिएट करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि खुद को आप जागरूक करिए, आप अपने स्कूल्स में वर्कशॉप कराइए, आप मैट जैसी संस्थाएं हम लोग हैं आप हम लोगों को बुलाइए, वर्कशॉप्स कराइए, कंडक्ट कराइए, आप करिकुलम में जैसे आपने बोला कि कुछ ग्रेस मार्क्स आप रख दीजिए, आप प्रैक्टिकल में 3-4 नंबर रख दीजिए कि जो भी बच्चा इतना वेस्ट लेके आएगा और प्लस उसको किस तरह रीयूज कर सकता है, उसका अल्टरनेट भी क्या ला सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत टैलेंट है और मुझे लगता है कि अगर आप उनको ये बोलेंगे कि इनको रीयूज कैसे कर सकते हैं, आपके घर में जो वेस्ट प्लास्टिक है इसका और क्या विकल्प निकल सकता है, तो मुझे लगता है कि वो और अच्छी चीजें लेके आएंगे भी और हम उसको शोकेस भी कर सकते हैं एग्जीबिशंस के थ्रू या कोई भी प्रोग्राम करके। बिल्कुल अनिया जी, इसमें जैसे आपने कहा कि कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट हमें बुलाए, कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल इस भरोसे बैठे हैं कि आपकी संस्था आएगी और आप इस भरोसे बैठे हैं कि नहीं स्कूल हमें बुलाएगा, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल भी खुद पहल करे आप भी कुछ पहल करें। हम लोग तो पहल करते हैं, जैसे मैट संस्था है खुद जाके सब जगह वर्कशॉप्स करती हैं, हम लोग अपने सेंटर्स में वर्कशॉप करते हैं, टीचर अपने लेवल से, देखिए वही मैं कह रही हूँ आपको कि हर किसी को अपने लेवल से ही इनिशिएट करना पड़ेगा, क्यों स्कूल बैठे हैं ये सोच के कि हम किसी संस्था को बुलाएंगे, उनको भी तो अपने मॉरल साइंसेस में एक्टिविटीज में दिखाना होता है कि हम एक्स्ट्रा क्या एक्टिविटीज अपने बच्चों को कराते हैं, तो वो इस तरह से जो बहुत और अच्छी संस्थाएं हैं काम कर रही हैं उनको बुलाएं, लेक्चर्स दिलाएं, वर्कशॉप कराएं, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस करवाएं और बच्चों को अवेयर करें कि प्लास्टिक यूज करने की क्या क्या समस्याएं उनके समय में जब वो बड़े होंगे आ सकती हैं और उसका हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, उसको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल दारिश जी, जनरली स्कूलों में देखा गया है वहां पे SUPW यानी सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के बारे में बच्चों को बताया जाता है, क्या कभी ऐसा विचार आया कि चलिए मैट संस्था वहां पे जाके पॉलिथिन हटाओ, पॉलिथिन को रिमूव करो इस देवभूमि से, इस संबंध में कभी चर्चा हुई आप लोगों की किसी स्कूल या किसी संस्था से? जी, हमारे अपनी संस्था में ये डिस्कशन हुआ है कि हम स्कूलों का ऐसे ऐसे स्कूलों जो जैसे आपने कहा है ICSE बोर्ड में है, सीबीएसई का तो मुझे पता नहीं पर ICSE बोर्ड में हर स्कूल में SUPW पीरियड होता है, तो SUPW पीरियड्स के अंदर हम चाह रहे थे कि हम अपने मेंबर्स को भेजें जहां पर हम जाके वर्कशॉप्स कराएं और बच्चों को प्रेरित करें कि क्यों एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि सर अगर एक SUPW का पीरियड है बच्चों को कहीं ना कहीं उससे भी ग्रेसिंग मिलती है, तो क्या सिर्फ बच्चे उस जब उसमें काम करेंगे तो सिर्फ वो ग्रेसिंग के लिए काम नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे कि हम कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई को बोझ मान के अगर पढ़ेंगे तो उससे उसका कोई फायदा नहीं है, पर अगर हम पढ़ाई को एक ऐसे देखेंगे कि इससे हमें मार्क्स भी मिल रहा है और इससे हमें नॉलेज भी मिल रही है,
तो उसके इस विकल्प से हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैम ने कहा है कि मैक संस्था ने एक बार कई बार ऐसे काम करे हैं, जैसे हमने आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन कराई थी अभी जून के महीने में, जहां पर कई स्कूलों के बच्चे आए थे और उन्होंने जो वेस्ट टू प्लास्टिक वेस्ट और जो ऐसे वेस्ट थे उनसे उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की काफी सारी चीजें बनाई थी, जिनकी हमने एक एग्जीबिशन भी करी थी। बिल्कुल अभी जी, अगर हम पर्यावरण के बारे में बात करें, क्योंकि जो पॉल्यूशन है, चाहे नॉइस पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, या प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, कई तरीके का पॉल्यूशन, खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, यहाँ का पानी जो है उसमें लाइन चूने की संख्या यहाँ ज्यादा मिलती है। अगर उसको हम देखें, कुछ देर पानी को रख के रखें तो नीचे कहीं ना कहीं उसमें चूना जमा हुआ मिल जाता है। तो इसको हटाने के क्या क्या उपाय है, या कोई ऐसा संदेश कि जो क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस वक्त आईटी हिंदुस्तान को देख रहे हैं, कि उस संदेश के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो और उनको बेनिफिट मिल सके। अभी जी देखिए, ये जो प्लास्टिक का असर जो है, वो जहाँ पे भी प्लास्टिक डंप होगा या जिस जगह में भी प्लास्टिक इकट्ठा किया जाएगा, उस जगह की जो आसपास की जो जमीन होगी उसकी उर्वरा शक्ति के ऊपर निसंदेह सीधा सीधा उस पर असर पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारे वाटर लेवल को जाकर के इफेक्ट करता है, और वही वाटर लेवल जो है हमारे कहीं ना कहीं से हमारे पीने के पानी का स्रोत है। तो इसमें इसको करने के लिए हमको यही करना पड़ेगा कि प्लास्टिक का इस तरीके से उसको यूज किया जाए ताकि वो उसका डंप ना हो सके, और उसका यूज इस तरीके से किया जाए ताकि वो हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। जैसे कि अभी कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो रोड्स बनाई जाएंगी, जो यहाँ पे सड़कें बनाई जाएंगी, उसमें प्लास्टिक का यूज होगा। तो जब हम रोड बनाएंगे और उसमें जो हमारा प्लास्टिक का जो कचरा निकलेगा, अगर हम उसको यूज करेंगे, तो वो आम जगह पर जाकर के डंप होने की बजाय वो रोड बनाने के काम में आएगा। तो इस तरीके से उसका एक तो ये विकल्प हो सकता है प्लास्टिक को यूज करने का, और दूसरा ये करना पड़ेगा हमको कि प्लास्टिक को के यूज को मिनिमाइज करने के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे हमको, चाहे वो किसी भी लेवल पर जाकर के करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं एजुकेशन लाइन में 7 साल रहा हूं, और जो कि बात अभी आपने कही है कि हर एक कॉलेज और स्कूल में या फिर एक किसी विश्वविद्यालय में इस तरीके से एक इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए कि कोई एक बच्चा जाकर के 4 या 5 प्लास्टिक के मग लेकर के आता है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाने चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक जो है वो एनवायरमेंट स्टडी के ऊपर एक जो है वो एक पेपर अनिवार्य कर दिया है हर एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो सिर्फ एक खाना पूछती है। जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक कंपलसरी चीज कर देनी चाहिए जिससे कि बच्चों में या विद्यार्थियों में एक जागरूकता फैले, और वो उसको जाकर के जो है वो जिस तरीके का कचरा पड़ा हुआ उसको बीन करके लाए, उसको ला करके अपने कॉलेज में दें, और कॉलेज फिर उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी को सौंपे ताकि उसका प्रॉपर रिसाइकिल हो सके या उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। नेहा जी, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक को हटाने की, जैसे आपने कहा था कि जूट के बैग, कपड़े के बैग, हालांकि आजकल फल या सब्जी वालों पे ग्रीन या व्हाइट कलर के बैग मिलते हैं, लेकिन उसमें दो क्वालिटी है। एक क्वालिटी तो ऐसी है कि उसमें जरा सा 1 या 1.5 किलो आपने कुछ भी फल या सब्जी रखी तो बैग एकदम से फटने लगते हैं, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि उसका बैग भी गया और जो कीमती सामान था वो भी चला गया। दूसरे बैग है जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से सरकार NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है प्लास्टिक की थैलियों के लिए, उसका नेचुरली कोई ना कोई मिनिमम चार्ज सरकार लेती है, तो सरकार युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगार के कदम को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जो कपड़े के बैग होते हैं उनका लाइसेंस की जो NOC है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि रोजगार के कई सारे साधन जो है सृजन होंगे, यहाँ पे पद निकलेंगे कई सारे, कई बेरोजगार लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल होगी। बिल्कुल, रोजगार तो मिलेगा ही, और साथ में मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि मतलब सरकार ही कुछ करे, क्यों नहीं हम लोग अपने घरों में थैले बना के खुद ही उसको मार्केट ले जाएं, एक थैला स्कूटी में रख लें, 2 थैले गाड़ी में रख लें, हम क्यों नहीं खुद से अवेयर हो सकते, हम क्यों इतना डिपेंडेंट है हर चीज में कि सरकार ये करेगी तो हम करेंगे, हम खुद क्यों नहीं कर सकते उस चीज को। मुझे याद है हमारी मदर जो है सब कुछ सिलती थी, तो सिल के आज आप पुराने कपड़ों को रीयूज कर लीजिए घर में, वो भी एक रीयूज हो जाएगा, आप कपड़ा फेंकेंगे वो भी
पोल्यूशन करता है, आप उस कपड़े का थैला बनाइए और आप उसको सब्जी लेने के लिए वो लेके जाइए। जहां तक जो बात आपने बोली है बिल्कुल सही कही है कि अगर इसको हम सरकार इस तरह के अगर स्टेप उठाती है तो रोजगार के बहुत साधन मिलेंगे हमारे जैसी संस्थाओं को जो स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं या जो लेडीज घर में बैठ के सिलाई का काम कर रही हैं, उनको बहुत रोजगार मिलेगा इस कदम से। बिल्कुल दारिश जी, आपके पास आना चाहिए। दारिश जी, जिस तरीके से आपकी मेट संस्था काफी अच्छे काम कर रही है, काफी सराहनीय काम कर रही है, हालांकि उनके द्वारा बनाए गए कई चित्र मेरे द्वारा भी दीवारों पे देखे गए हैं, खासकर घंटाघर की तरफ देखे गए हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि उसमें कोई स्लोगन ऐसा लिखा जाए कि ताकि आने वाली पीढ़ी को या जो लोग वहां जाते हैं उनको संदेश मिल सके कि प्लास्टिक कितना घातक है? क्योंकि देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो किताब में पढ़ लेता है कि प्लास्टिक में कप या ग्लास में हम चाय पीते हैं तो उसे कैंसर बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता उस तक संदेश किस तरीके से जाएगा? इसके लिए क्या सार्थक पहल करने वाले हैं? जी सर, हमने जो जितनी भी ड्राइंग्स बनाई है, अगर आप देखें त्रिपिटक मार्केट की साइट, हमारी साइट ड्राइंग्स है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिर्फ ड्राइंग्स ये नहीं कहती हैं कि प्लास्टिक यूज मत करो, बल्कि वहां पर हमारी जो वॉल पेंटिंग्स है वो ये भी दिखाती है, दर्शित करती है एक तरीके से कि क्यों प्लास्टिक वहां पर अननेसेसरीली वेस्ट करा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर एक पेंटिंग, अभी काम कर रहे हैं, आज सुबह हम उस पर काम कर रहे हैं, उसके अंदर एक गढ़वाली, जो गढ़वाली इसमें हम उनको प्लान कर रहे हैं वो अभी इसमें निश्चित तौर से आपको दिख जाएगा। और अगर सर वॉल पेंटिंग्स की बात है तो वॉल पेंटिंग सिर्फ हमने मैं यहाँ पर नहीं करी है, और भी कई जगह करी है, वहां पर आप देखिए, वहां पर इससे आपको कई अच्छे मैसेज मिल सकते हैं। बिल्कुल अभी जी, अगर हम बात करते हैं पीयूसी की, आजकल डीजल या पेट्रोल की गाड़ी के लिए पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन एक प्रश्न मेरा ये बन रहा है अभी जी की, जब हम माना कोई विक्रम है बहुत ज्यादा डीजल से वो पॉल्यूशन फैला रहा है, हम 100 रुपए देते हैं, एक स्लिप ले आते हैं, क्या वो स्लिप लेने से उसका पॉल्यूशन हट जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है अभी जी। ये राकेश जी का सवाल ऐसा किया है आपने जो कि सीधे सीधे हमारे सिस्टम के भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत गहरी चोट है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है कि ये विक्रम के जो धुएं होते हैं या जिस तरीके से ये हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह, उनके जो जिस तरीके से वो पॉल्यूट कर रहे हैं सिस्टम एनवायरनमेंट को, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये चीजें इस तरीके से हल नहीं होंगी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लगा दिया कि आपके जाके एक स्कूटी वाला जाकर के तो अपना जो है वो ले आता है, क्या नाम है, टू व्हीलर वाला जाकर के उसके लिए कंपलसरी लाइनों में लग करके वो ला रहा है, लेकिन जो असल जड़ है हमारी वो ये पॉल्यूशन जो फैलाने वाले हैं वो विक्रम वाले हैं या ये ट्रक वाले हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर, इसके लिए सीधे सीधे जो है वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है और प्रशासनिक अमला इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इनको मानव जाति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो इसके लिए बहुत ही कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, और अगर कठोर नियम नहीं बनाए इन्होंने तो ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का समय सबब बनने जा रहा है। आने वाली पीढ़ी जो हमारे आने वाला जो समाज है, जो हमारे आने वाले लोग हैं, हम उनको, उनके लिए इस दुनिया में, इस जीवन में हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। और ये चंद जो सुखदार लोग होते हैं आप समझ लीजिए, या ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है वो अपना लाइसेंस वगैरह बनवा लेते हैं, वो बिल्कुल इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। और अगर किसी भी इस तरीके से पॉल्यूशन देते हुए कोई ट्रक या कोई व्हीकल या इस तरीके से कोई पकड़ा जाए तो उसको इमीडिएट जो है वो कंफिस्केट करना किया जाना चाहिए और आदमी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सख्त नियम अगर नहीं बनाए गए तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करने जा रही है पर्यावरण के लिए। बिल्कुल नेहा जी, प्लास्टिक पे पुनः हम आ रहे हैं, अगर प्लास्टिक की हम बात करते हैं, आप अमूमन कई संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें 50 लोग हैं, कई में 100 हैं, कई में 500 हैं, 600 हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी सामाजिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पे आया एक दिन एक शाम इस देवभूमि के नाम, कहीं घंटाघर में, कहीं गांधी पार्क के पास निकल के सब प्लास्टिक जो इकट्ठा करें और उस प्लास्टिक को डंप जहां पे किया जाए, क्योंकि उसमें एडवाइजर कई सारे हैं, क्या कभी ऐसा संभव हुआ कि आपकी संस्था या मेट संस्था या अन्य संस्थाएं हैं वो सब मिलके एक अभियान ऐसा चलाया जाए, एक ऐसी रैली निकाली जाए? हालांकि सरकार 5 नवंबर को रैली निकालने जा रही है, क्या जैसे आपने कहा था कि हर काम सरकार करेगी हमको भी करना चाहिए, ये प्रश्न आप
से बनता है कि 5 नवंबर को जो श्रृंखला सरकार बना रही है वो आप भी तो बना सकते थे। हम लोग हर वर्ष जो पर्यावरण दिवस होता है वो हम लोग मनाते हैं। पिछले साल हमने मैट संस्था के साथ मनाया था और फिकी फ्लो उत्तराखंड चैप्टर के साथ मनाया था मेरी संस्था ने मिलके, और उसमें हमने 50 पेड़ लगाए थे। तो हमारे लेवल पे हम जो कर सकते हैं हम करते हैं, और जब भी इस तरह की कोई रैलियां निकलती हैं तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम पेड़ भी लगवाते हैं। हम तो ये तक बोलते हैं कि जब भी बेटे की शादी आप करते हो अपने सेंटर्स में बोलते हैं तो आप उनको पेड़ एक दीजिए। हम वन विभाग के साथ मिलके उन्होंने हमारे कितने ही प्रोग्राम में हमारे इसमें एक प्रश्न और जोड़ देते हैं नेहा जी, कि जिस तरीके से आपने तो पेड़ लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सामाजिक संस्थाएं पेड़ लगाती है लेकिन कुछ समय बाद पानी डालना भूल जाती है। हम लोग अडॉप्ट करते हैं, हम लोग तो अडॉप्ट ही कर लेते हैं पेड़। तो हमने घर में जैसे गमले में लगा लिया, जरूरी नहीं है कि आप उसे जंगल में ही जाके लगाएं। आप घर में गमले में लगा सकते हैं, आपको पेड़ लगाना है आप घर में लगा सकते हैं, या आपके आसपास जो जगह है आप वहां लगा सकते हैं। आप अडॉप्ट करिए उसे प्रॉपर तरीके से, उसको मॉनिटर करिए, जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए उसमें पानी डालिए। तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं या और संस्थाएं काम कर रही है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं कर रही है। हम लोग वन विभाग के साथ मिलके हमने बहुत सारे वृक्षारोपण हमने करे हैं। जब भी हमारा कोई इवेंट होता है हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं या जो भी हमारे लोग साथ आते हैं हम उनको एक एक रुद्राक्ष का पेड़ या किसी भी तरह का पेड़ जो भी हमें अवेलेबल होता है हम वो जरूर देते हैं। और मैट संस्था के साथ मिलके या और भी कोई संस्था के साथ मिलके हम लोग तो हर वर्ष ये पर्यावरण दिवस जरूर मनाते हैं। बिल्कुल दानिश जी, क्या ऐसा हो पाना संभव है कि अगर किसी स्कूल में जाके पेड़ वहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि अगर कोई स्कूल 12th तक है तो कम से कम प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक अगर साइंस कॉमर्स के हम सेक्शन मिला लें 18 क्लासेस लगभग होती हैं, 18 पेड़ दिए जाए, उनकी क्लास टीचर को कहा जाए कि ये अपने स्कूल के कैंपस में पेड़ लगाएं और अपने नाम से पेड़ लगाएं। उसमें ये होता है अमूमन एक क्लास में 40 से 50 बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चा एक दिन भी अगर लीप ईयर पहुंच छोड़ दे तो 30 से 31 दिन महीने होते हैं, एक दिन में एक बच्चा पानी देगा तो बच्चे की ड्यूटी भी काफी लंबे समय बाद आएगी, क्लास टीचर भी वो भी प्रेरित रहेगी कि मेरे नाम से इस स्कूल के अंदर पेड़ लगाया, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। तारी सिंह जी, सर सर जैसा कि आपने अगर आपको याद हो तो पिछले साल बारिशों से पहले हमारी सरकार ने कई स्कूलों में वृक्ष भेजे थे, कहीं पर वहां पर ट्रीज भेजी थी, वहां पर सैपलिंग्स भेजे थे। तो मैं ना अगर ये सवाल पूछूं मैं वहां पर कि कितने सैपलिंग्स बचे थे, क्योंकि अगर मैं अपने स्कूल का एक एक्सपीरियंस बताऊं तो वहां पर जो सैपलिंग्स थे वो बहुत ही डिसऑनर में ले गए थे, इसको चाहे जितने मर्जी उठा ले पर वहां पर एक देखा जाए तो एक तरीके से सही नहीं था वो, क्योंकि उसमें से कितने वो वहां पर प्लांट्स सर्वाइव करे और कितने प्लांट्स वहां पर बचे इसका भी है, तो वहां पर ड्यूटी लगनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हम वहां पर पेड़ लगाए तो देहरादून के अंदर ऐसे कई सारे स्कूल है जहां पर ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया नहीं है जहां पर वो पेड़ लगा सके, भले मतलब वहां पर गमले में पौधे लगा सकते हैं पर वहां पर पेड़ लगाना मुमकिन नहीं है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अभी जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, कि पर्यावरण को और बेहतर करने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? पर्यावरण को और बेहतर करने के लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, यही एक सलूशन है, क्योंकि पेड़ ही जो है हमारे प्रकृति को बचाने का एक सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल नेहा जी, दारिश जी, अभय जी, आपने आईटीवी हिंदुस्तान को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम प्लास्टिक हटाओ अभियान की बात करते हैं तो 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक श्रृंखला, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, जो जोगीवाला से होते हुए बहल चौक होते हुए एक श्रृंखला मसूरी डायवर्जन की तरफ और दूसरी घंटाघर की तरफ जाएगी। सरकार की बहुत सुंदर पहल है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन दिक्कत होती है दूसरी तरफ की, अगर प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को या फैक्ट्रियों को एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि सरकार ने पहल बहुत सुंदर की है, कई स्कूलों को अपने साथ लिया है, कई सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ लिया है, लोगों को जागरूक करने की बहुत सुंदर पहल है। और ये आईटी हिंदुस्तान जरूर कहना चाहता है कि ये संघ दिलों की दुनिया है गाली, जरा संभल के चलना, यहाँ प्लास्टिक के कप में चाय पिलाते हैं हमारे प्राणों के उत्सर्ग के लिए। देखते रहिए आईटी हिंदुस्तान, नमस्कार।